वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के वीडियो में हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाएंगे, वो पवित्र स्थान जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद आखिरी बार जहां पर अपने परिवार के साथ रुके थे। यहां पर अमृत वेले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आशा की वार भी पड़ी थी। तो आइए, आज के वीडियो में हम आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब के और बताते हैं इस जगह का महत्वपूर्ण इतिहास। संगत जी, जैसा आपको पता है कि आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के लिए गुरु जी को मजबूर किया जाता है, तो गुरु जी परिवार समेत और बहुत सारे सिख संगत के समेत आनंदपुर साहिब का किला छोड़ देते हैं। जब वो किला छोड़ते हैं तो जो जितनी भी मुगल फौज होती है, 22 धार की पहाड़ी राजाओं की फौज होती है, वो उनके पीछे पीछे ही रहती है हमला करने के लिए। संगत जी, ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के समेत आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद अपने परिवार समेत आखिरी बार एक साथ इस टिब्बे के ऊपर रुके थे। ये वो ऐतिहासिक स्थान है। आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद जब पीछे से पहाड़ी राजा मुगल सभी हमला कर रहे होते, तो गुरु जी रात के समय इस टिले के ऊपर इस स्थान पर पहुंचते हैं और यहां पर वो रात को रुकते हैं। बाहर दूसरी तरफ युद्ध चलता रहता है, सिख युद्ध लड़ रहे होते हैं मुगलों के साथ, पहाड़ियों के साथ, और इधर गुरु जी सुबह के समय आशा की वार का पाठ करते हैं। आशा की वार का पाठ करने के बाद गुरु जी यहाँ से आगे निकलना शुरू करते हैं। इधर दूसरी तरफ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सरसा नदी का है। इस सरसा नदी में बाढ़ आई होती है, ऊपर से मौसम बेईमान बहुत ही खराब होता है और ऊपर से बारिश हो रही होती है, सर्दियों का मौसम होता है। पूरी सिख संगत भूखे खाली पेट यहां से आगे बढ़ रही होती है, तो नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और उस बहाव में जो परिवार है वो 3 हिस्सों में बिछड़ जाता है। इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम परिवार विछोड़ा रखा गया है। परिवार एक हिस्सा जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 2 बड़े साहिबजादे और 40 सिख चमकौर की गढ़ी की तरफ चले जाते हैं और उसकी शहादत का आपको पता है। दूसरा हिस्सा जहां पर माता गुजरी जी 2 छोटे साहिबजादों के साथ सहेड़ी गांव की तरफ निकल जाते हैं और वो उस तरफ के लिए बिछड़ जाते हैं। और तीसरा, जहाँ पर माता साहेब कौर जी, काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथ और भाई मनी सिंह जी जो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, तो वो उस हिस्से की तरफ बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार परिवार वहां पर सरसा नदी में तेज बहाव और बारिश और सुबह के समय जो बहुत ज्यादा अंधेरा था, इस कारण वहां पर वो 3 हिस्सों में बिछड़ जाता है। संगति, आज के वीडियो में हमने आपको इस ऐतिहासिक स्थान के दर्शन कराए। अगले वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे उस जगह के ऊपर जिस जगह को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। पंडितों ने कहा कि यहाँ पर गुरु जी ने बैठ के 125 साल यज्ञ किया, वो स्थान मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई की सहायता लीजिए। धन्यवाद। ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।